हिंदी स्वर ज्ञान। आज हम भारत विकास क्लासेस में एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, हिंदी की क्लास। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम हिंदी के बेस से ही शुरू करेंगे। हिंदी में वर्णमाला होती है, वो हम धीरे धीरे क्लासेस में आपको बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे स्वर ज्ञान। स्वर ज्ञान किस चीज का ज्ञान है कि हिंदी में कौन कौन से स्वर होते हैं? तो सबसे पहले हम अ से अह तक आज सीखेंगे, अ से अह तक का उच्चारण सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। आफ्टर दैट यू कैन वॉच ऑल वीडियोज व्हेन आई अपलोड इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए सीखते हैं आज स्वर ज्ञान। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्वर होते क्या है। क्या होता है स्वर? स्वर होता है जिन वर्णों के, मैंने अभी बताया था ना कि वर्णमाला, यानी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, हमारी जो सांस है, ब्रीथ है, कंठ और तालु के स्थान पर बिना रुके निकल जाती है, यानी हमारी जो आवाज है, हमारी जो सांस से आवाज निकल रही है, ना तो वो कंठ को टकराती ना ही तालु से टकराती। अब ये कंठ और तालु क्या है? कंठ मतलब कि गला और तालु मतलब हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा, जहां पर टंग, जीभ टच होती है, उसको तालु बोलते हैं। ना ही कंठ यानी गले पे टच होती सांस और ना ही तालु पे टच होती, बिना रुके ही निकल आती है बाहर, उसको कहते हैं स्वर। कौन कौन से स्वर होते हैं ये भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ से अनार, अ से अनार। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ मेरे साथ बोलेंगे। अ से, अ से अनार। हाँ, अ से अनार। आ से, आ से आम। आ से आम। अ से अनार, आ से आम। ई से इमली, ई से, ई से इमली, ई से इमली। ये इसको छोटी ई भी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी आवाज छोटी आती है, इमली। अब आती है ई से ईख, ई से, ई से ईख, ई से ईख बोल रहे हैं। इसकी आवाज, इसका उच्चारण थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको दीर्घ उच्चारण भी कह देते हैं। इसका उच्चारण थोड़ा सा लंबा होता है, ईख। ओके, अब है ऊ से उल्लू, ऊ से, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू में हमें ये छोटा ऊ भी बोल देते हैं, ऊ की आवाज छोटी आ रही है, कम आ रही है, उल्लू। ओके, ऊ से ऊन, ऊ से, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन जो आ रहा है, ऊ की आवाज थोड़ी बड़ी खींच रही है, ऊन, तो इसको बड़ा ऊ भी बोल देते हैं। अगला है री से ऋषि, री से, री से ऋषि, री से ऋषि। इसकी जो मात्रा है वो हमेशा किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है, ठीक है? वो मात्राओं यानी चिन्ह के बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। री से ऋषि के बाद आता है ए से एडी, ए से, ए से एडी,
अब ये ए से एडी है हमारी, जो पांव का पिछला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं एडी, ठीक है। अगला ए आई, इसको बोलते हैं आई से ऐनक, आई से ऐनक। ये देखिए थोड़ा सा फर्क है दोनों में, जो हमारी ए थी उसके ऊपर अगर ये मात्रा लगाते हैं तो वो आई बन जाता है, आई से ऐनक। अगला देखते हैं ओ से ओखली, ओ से क्या होता है, ओ से ओखली। अगर आप देखोगे अ पर एक मात्रा लगाई है जो कि एक है, देखिए ध्यान से ओखली, ये देख रहे हो ना, ये एक मात्रा लगाई हुई है ये वाली। अब इसको अगर हम औ बनाएंगे, औ, औ से औजार, औ से औरत, औ से औजार। इस पे हमने क्या डिफरेंस देखा, इस पे डिफरेंस देखा कि औ अ पे दो मात्राएं ऊपर आ रही हैं साथ में, ये एक चिन्ह के साथ, बात समझ में आई। औ से औजार, आगे क्या है अंग से अंगूर, अ के ऊपर अंग की बिंदी लगी है, अंग से अंगूर, ध्यान दीजिए अंग से अंगूर आया, अ के ऊपर बिंदी लगाई, अंग से अंगूर। आखिरी देखते हैं अह अह खाली, अह से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, अह खाली। अह खाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि अह का जब भी प्रयोग होता है तो वो किसी न किसी व्यंजन के साथ में बाद में कहीं भी उसको प्रयोग कर सकते हैं, बट इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं अह खाली। ओके बेटा, आज हमने किया स्वर का उच्चारण और इससे हमने सारे अह से अह तक सभी अच्छे से सीख लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई है, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।